नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि चंद्रयान 3 आज एक इतिहास बनाने वाला है। अंतरिक्ष में किस तरह से भारत का दमखम देखने को मिलेगा, इंतजार 6:04 का है शाम का। और इस वक्त एक बड़ी खबर, 4 घंटे बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी तो भारत पर दुनिया की नजर इस वक्त सीधी है। आज चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की होगी सॉफ्ट लैंडिंग। साउथ पोल पर उतरेगा चंद्रयान 3। पहली बार साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा। यूं कहें कि इससे पहले किसी भी देश ने अपने यान वैज्ञानिकों के संग संग तिरंगा निशान भी। इन सभी भावों के साथ मैं 6:04 का इंतजार कर रहा हूं। सर, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सारा श्रेय इसका बीजेपी ना ले अपने ऊपर, ये तो वैज्ञानिकों के ऊपर जाता है और मैं उनको धन्यवाद करता हूं। साथ ही अखबारों में छपा है कि 17 महीने से उन वैज्ञानिकों को सैलरी नहीं मिली है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, बहुत चलिए, तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। लैंडिंग पॉइंट पर 5:44 पर पहुंचेगा चंद्रयान 3। तो तय वक्त पर पूरी होगी लैंडिंग, ये इसरो ने कहा है। इसरो ने कमांड सेंटर की तस्वीरों को भी जारी करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि सब कुछ सही रहा तो तय वक्त पर लैंडिंग हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए वो बाद के 15 मिनट जो होंगे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो फिलहाल लैंडिंग पॉइंट पर 5:44 पर चंद्रयान 3 पहुंच जाएगा और कहा जा रहा है इसरो के द्वारा तय वक्त पर जो समय निर्धारित है उसी समय पर लैंडिंग की जाने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जारी कर दी गई हैं और इसरो ने कहा है कि इस बार हमारा जो मिशन है वो यही है कि सॉफ्ट लैंडिंग की जाए। चंद्रयान 2 में जो क्रैश लैंडिंग हुई थी, इन तमाम चीजों से सीख लेते हुए इस बार सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। साउथ पोल में ये लैंडिंग की जानी है और इसरो ने कमांड सेंटर की तस्वीरें जारी की है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, महज 4 घंटे और उसके बाद दुनिया देखेगी भारत का दम। अंतरिक्ष में स्वर्णिम इतिहास लिखेगा भारत। देखो, स्वर्णिम इतिहास के लिए तैयार है भारत, अपने हस्ताक्षर रखेगा। और देखिए वो तस्वीरें भी सामने आई जब इसरो ने तस्वीरें साझा करते हुए इस बात की तस्दीक की है। पूरी कोशिश यही रहेगी कि अपने तय वक्त पर 5:44 पर पहुंच जाए। इसके साथ देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में बकायदा आज इसके लिए अरेंजमेंट किया गया है, व्यवस्था की गई है कि अपने नौनिहालों को, देश के भविष्य को ये बताया जाए, ये समझाया जाए कि आखिरकार चंद्रयान 3 कितना महत्वपूर्ण है और इस बात के हमारे भविष्य भी साक्षात समझे जाने और इसके साक्षी बने। चलिए, चांद पर जय हो चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुरेंद्र पाल हैं, पूर्व वैज्ञानिक इसरो के, साथ ही साथ डॉक्टर अजय शर्मा हैं, साइंस कम्युनिकेटर हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में। इसी के साथ साथ कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार जी हैं भी हमारे साथ, एविएशन एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल डॉक्टर सुरेंद्र, आपसे हम शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें तो आज भारत स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो है वहां पर मौजूद है, लैंडर और रोवर पहुंचेंगे, 6 बजे का इंतजार आज सभी को है। सबसे पहले देखिए नतीजे जो भी हों, लेकिन ये पल बेहद खास, बेहद सुखद। देखिए नतीजे बिल्कुल पॉजिटिव होंगे, हम बहुत आश्वस्त हैं कि लैंडिंग प्रॉपरली होगी, आज ही होगी। और मेरे को मालूम पड़ा है कि ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस के जो कमांड्स हैं वो ऑन बोर्ड दे दिए गए हैं। उसके बाद में जब 5:44 पर या जो भी सीक्वेंस है 25 किलोमीटर पेरिजी से, करीब करीब 11 मिनट बाद में ये 7.8 किलोमीटर पर आ जाएगा, 6,000 किलोमीटर पर आवर से करीब करीब 10 किलोमीटर पर आ जाएगा। ये पेरिजी पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जिसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, तिर्यक वेलोसिटी बोलते हैं,
और जब 7.8 किलोमीटर पर आ जाएगा तो उसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा और उसमें थोड़ी वर्टिकल वेलोसिटी भी दी जाएगी जो होगी करीब करीब 61 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में एक एटीट्यूड होल्ड हुआ तो एटीट्यूड होल्ड के बाद में जो आएगा तो उसमें वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम करना चालू कर देंगे। उसके बाद में फाइन ब्रेकिंग चालू होगी, फाइन ब्रेकिंग के अंदर उसका पूरा ओरिएंटेशन चेंज करके उसको वर्टिकल कर दिया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू मून सरफेस, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी चीज़ के संदर्भ में ही करते हैं। और उसके बाद में 400 मीटर पर आ जाएगा, 400 मीटर पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो आगे ले जाती है वो जीरो हो जाएगी और वर्टिकल वेलोसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और वो जो लैंडर है वो होवर करना चालू कर देगा और मालूम करेगा कौन सी जगह उसको लैंड करना है। जैसे इसरो ने 8 जगह सेलेक्ट की थी और 8 जगह इसमें कहाँ बाउल्डर है, कहाँ पर वो क्रेटर है, कहाँ पूरा इल्यूमिनेशन होना चाहिए, उन सबको देखते होवर करते अगर एक जगह पर नहीं तो 100 मीटर्स की दूसरी जगह पर जाएगा और उसमें बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वर्टिकल वेलोसिटी है या लैंडिंग है तो उसमें 2 रॉकेट्स फायर किए जाएंगे। ब्रेकिंग वेलोसिटी ब्रेकिंग जो टाइम है या ब्रेकिंग जो सीक्वेंस है उसमें 4 इंजन फायर होंगे, इसमें सिर्फ 2 इंजन फायर होंगे और उसको ओरिएंटेशन को प्रॉपर रखने के लिए उसमें और 8 थ्रस्टर्स है जी। और बहुत से उसमें इंस्ट्रूमेंट्स है और फिर प्रॉपरली लैंड करने के लिए कोशिश हम यूँ कहें कि यही रहेगी कि आराम से एक सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, क्योंकि हमने देखा था चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था बहुत हार्ड लैंडिंग थी और यही मिशन की फेल होने की वजह भी थी। डॉक्टर अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो से मौजूद हैं। अजय जी देखिए, साउथ पोल का जब जिक्र किया जाता है, साउथ पोल पर ऐसी क्या वजह है जब न सिर्फ देश बल्कि दुनिया इस पर नजर गड़ाई होती है? देखा गया है कि साउथ पोल जो है वो भारत जैसा ही यानी कि पृथ्वी जैसा ही कहीं ना कहीं वातावरण रखता है, लेकिन बहुत सी ऐसी जिज्ञासाएं हैं साउथ पोल पर जिसे तमाम वैज्ञानिक दूर करना चाहते हैं, इसीलिए ये जो मिशन है चंद्रयान 3 है बहुत ही महत्वपूर्ण हो चलता है। अजय जी, सबसे पहले तो जो आज के 2 गेस्ट हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ऐसे ही कितने वैज्ञानिकों की जो सालों की मेहनत है जिसने आज हमें यहाँ ला करके खड़ा कर दिया है। और अगर हम अपने एज की मैं बात करूँ तो हमने जैसे अब्दुल कलाम जी को देखा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, या उनको पढ़ने या सुनने का मौका मिला, तो उनका एक सपना था कि ये बहुत होता है कि भारत ने ये किया लेकिन हम तीसरा देश बन गए, हम चौथा देश बन गए। लेकिन अब उनका सपना क्या था कि हम कभी ना कभी जो विज्ञान और तकनीक में ऐसे काम करें कि हमारा भी नाम हो कि भारत पहला ऐसा देश है जिसने ये अचीवमेंट हासिल किया है। और साउथ पोल पे उतरना आज उनके उस सपने को साकार करने जैसा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उस पर उतर पाएंगे। साउथ पोल पे बहुत सारी ऐसी अननोन चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज जो है जो हमें आगे कि जो रिसर्च है उसके लिए बड़ा लाभ हो सकती है, और केवल हमारे लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि 2 बड़े अगर आप स्टेप देखेंगे तो जब 1957 में रशिया ने अपना स्पूतनिक 1 जो सैटेलाइट था ऑर्बिट सैटेलाइट अर्थ का पहला लॉन्च किया तो उसने एक पॉसिबिलिटी को खोल दिया सबके लिए। ऐसे ही भारत आज सफल लैंडिंग करके पूरे वर्ल्ड के लिए उस पॉसिबिलिटी को खोल देगा। वहाँ बहुत सारी चीज़ें की जाँच करने के लिए ये पॉसिबिलिटी है, जैसे मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन का क्या लेवल है या वाइब्रेशंस उसके सरफेस पर कितना है, वहाँ का थर्मल टेम्परेचर कैसा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग पेलोड जो हैं वो रोवर में लगाए गए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज हम उस जो ये सक्सेसफुल जो वहाँ पर लैंडिंग कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं डॉक्टर अजय मैं भी आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि दीपिका के सवाल से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि अगर आपको याद होगा कि रूस का जब लूना 24 गया था तो वहां से कुछ मिट्टी लेकर आया था, और इस बार जब रूस ने अपना लूना 25 भेजा तो ये कहा गया कि साउथ पोल वो एरिया है जहां पर पानी की संभावना भी है, और इसलिए शायद ये माना गया कि साउथ पोल को ही एक वो एरिया चुना गया है जहां पर लैंड कराना है। हालांकि रूस का मिशन जो है वो क्रैश हो गया, फेल हो गया, लेकिन इंडिया जो कर रहा है, भारत जो कर रहा है, वो ऑर्बिटर के आसपास ही रहने वाला है। देखिए, जो पानी का संकेत है वो तो चंद्रयान जो हमने पहला अपना 2008 में लॉन्च किया था उसने भी ये संकेत दिए थे, और यही यही कारण है कि ज़्यादा इस एरिया साउथ पोल को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जा रहा है।
जहाँ तक बात करें रशिया का जो फेलियर हुआ, वैसे भी अगर आप ओवरऑल पॉसिबिलिटी की बात देखेंगे, जब जब चांद के ऊपर लैंडिंग कराई गई है तो पॉसिबिलिटी 50% ही है हर एक मिशन के सक्सेसफुल होने की, लेकिन उनका फेलियर का कारण कुछ और भी हो सकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें अननोन है, कोई फैक्टर एक किसी को बता पाना बहुत मुश्किल है। और पानी वाला जो आप बता रहे हैं, वाटर वाला, वो तो हमारे चंद्रयान ने भी उस काम को 2008 में किया था, इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटी को ज़्यादा हम आगे कर देखने का प्रयास वहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम कहते हैं कि चांद से ही, एक चांद ऐसी जगह है जहाँ से हम और जगह पे दूसरे ग्रहों पर पहुंच सकते हैं, इसीलिए यहां पर संभावनाएं ज्यादा तलाशी जाती हैं। श्याम जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चंद्रयान मिशन को लेकर पूरे देश में जोश है, दुनिया में नाम है, दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बंगला साहिब से आ रही हैं। देश भर में आज देखिए दुआओं का दौर जारी है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि तीन देश भले ही अपना परचम लहरा चुके हों, लेकिन चांद पर जिस जगह आज चंद्रयान 3 पहुंचने वाला है, उससे पहले कोई भी देश नहीं पहुंचा। इसीलिए सबसे पहले भारत उन देशों में, यूँ कहें कि वो पहला देश बनेगा जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। देखिए दुआओं की तस्वीर न्यूज़ इंडिया आपको सुबह से दिखा रहा है, और ये खूबसूरती है भारत की, गंगा जमुनी तहजीब की भी, और इसी के साथ साथ सर्वधर्म संभाव की तस्वीरें, सभी हाथ जोड़कर बंगला साहिब के दर्शन करते और इसी के साथ साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 सफल हो। सॉफ्ट लैंडिंग जो आज चंद्रयान 3 करेगा वो सफल हो, वो अच्छी तरह से हो, क्योंकि चंद्रयान 2 जब गया था तो जिस तरह से लैंडर और रोवर अलग हो गए थे, क्रैश लैंडिंग जो हुई थी उसके बाद जिस तरह से उम्मीदें टूटी थी, लेकिन यही खूबसूरती है भारत की कि हिम्मत नहीं हारता है हमारा देश। और 2019 के बाद देखिए कोविड का दौर भी देखा, अलग अलग समस्याएं आईं, लेकिन भारत एकजुट ही नहीं रहा बल्कि लगातार आगे बढ़ने के लिए मेहनत करता रहा दीपिका। और देखिए सबसे खास बात है, उस दौरान कोविड के दौर में जो हमारे देश के साइंटिस्ट थे उन्होंने वैक्सीन बनाई, लेकिन उसके इतर आप देखिए कि कोशिशें लगातार चलती रही, नतीजा आज सबके सामने है, चंद्रयान 3। और वैक्सीन चारों ना सिर्फ हमने अपने लिए बनाई बल्कि देखिए उन तमाम देशों को भेजी गई जो इसके लिए ज़रूरी था, जो हमसे मदद की गुहार लगा रहे थे। यानी कि ना सिर्फ भारत अपने लिए सोचता है, वसुदेव कुटुंबकम ये यूं ही नहीं है, यानी कि संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, और इसी की भावना के साथ भारत हमेशा आगे बढ़ता रहा है। और देखिए अरदास की तस्वीरें बंगला साहिब से हैं, जहां पर हाथ जोड़े अरदास लगाई जा रही है कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। और इसी के साथ साथ देखिए हम अलग अलग जगह की खूबसूरत तस्वीरें लेके आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें कुछ विज्ञान भवन से भी हैं, जहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स भी तैयार हैं आज कि आज किस तरीके से हमारा चंद्रयान 3 सफल हो। हाथ में तिरंगा है, मन में उत्साह है, उमंग है, क्योंकि आज हम इतिहास जो रचने वाले हैं। आज यदि हम सफल होते हैं तो यकीन मानिए हमारा एक अलग ही स्थान पूरे विश्व में होगा। वही तस्वीरें लगातार सामने, बनारस की तस्वीर भी सामने है, जहां पर वाराणसी में संत जो हैं किस तरीके से हवन पूजन करते आपको नजर आएंगे। तो चलिए आपको सुनवाते हैं चंद्रयान मिशन के लिए मुख्यमंत्रियों ने जो शुभकामनाएं संदेश भेजे हैं। मन आनंद और प्रसन्नता से सरोबार है। मैं अपने वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जिनके बुद्धिमत्ता और परिश्रम के कारण ये क्षण आए हैं, और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ये असाधारण उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। आज का दिन भारत के
गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, आनंद और प्रसन्नता का दिन है। और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि भारत अब सबसे आगे है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई इस बड़ी छलांग पर आज पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। यह हमारी ही नहीं, मानव मात्र की उपलब्धि होगी। मैं इस मिशन की सफलता की कामना करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व हमारे वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने हर क्षण वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। ये मिशन उनके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये शुरू किया है, जो कार्यक्रम, वो सफल होगा और भारत की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। एक जमाना था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। देश के लिए तो बड़ी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की मेहनत है और जो आधारशिला नेहरू जी ने रखा है आज अपने पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। तो सभी शाम को हम लोग बुलाने बच्चों को सीएम हाउस के अंदर, उनके साथ में हम लोग देखेंगे जब चंद्रयान पे। बहुत शुभकामनाएं हमारे साइंटिस्टों को और तमाम जो लोग जुड़े हुए इस अभियान से। बहुत ही शानदार अभियान है, ऐतिहासिक अभियान है, ये कामयाब होना बहुत आवश्यक है। शाम को जो 6 बजे के आसपास वक्त है, इंतजार रहेगा सबको। चलिए, तमाम मुख्यमंत्रियों की एक ही मनोकामना, एक ही उम्मीद कि चंद्रयान 3 सफल हो। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। चलिए तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चंद्रयान 3 सबसे सफल लैंडिंग आज हम देखने वाले हैं। इंतजार 6:04 का है कि आखिर उस वक्त भारत जो इतिहास रचेगा, अंतरिक्ष में भारत का जो डंका बजेगा, आज उसकी गवाह पूरी दुनिया बनने वाली है। श्याम जी हमारे साथ हैं। श्याम जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए अगर हम चांद की सतह की बात कर ले, वहां पर लैंडिंग में आपसे हम प्रोसीजर समझना चाहेंगे कि क्या किसी तरह की समस्याएं हो सकती हैं? इसरो तो कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि उस हिसाब से लैंडर और रोवर को तैयार किया गया है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चांद की सतह पर माउंट एवरेस्ट जैसे गड्ढे भी हैं, -200 डिग्री का टेम्परेचर वहां पर है, तो लैंडिंग को लेकर हम आपसे समझना चाहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा 17,000 इसरो के जो कर्मचारी हैं, जो साइंटिस्ट हैं उनको, और हम सब के 140 करोड़ लोगों की, देश और विदेश में रहने वाले लोगों की तरफ से एक बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाला हमारी शुभकामनाएं उनको और न्यूज़ इंडिया को भी जो इस तरह से इसको कवर कर रहे हैं। 3 घंटे की देर के बाद हम ये क्षण आने वाला है जब हम चांद की सतह पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा। प्रोसीजर्स की बात करें तो फिलहाल देखिए करीब करीब सबसे नज़दीकी कक्षा में पहुंच चुका है और जो उनका प्रोपल्शन मॉडल है वो अलग होके, और अब जो हमारा जो विक्रम है, जो फादर ऑफ कह जाते हैं मिसाइल और स्पेस के फादर कह जाते हैं विक्रम साराभाई जी, उनके नाम पे रखा गया है, और रोवर जो प्रज्ञान है, ये दोनों अब 24-25 किलोमीटर की दूरी से वर्टिकल डिसेंड करेंगे। और इस समय अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे साइंटिस्ट मॉनिटर कर रहे हैं कि वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है, बिल्कुल वेक्टर्स जो है, अभी वो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में है, वर्टिकल मतलब जब नजदीक जाएगा तो वर्टिकल थ्रस्ट चाहिए, उन दोनों में एक समन्वय बिछा के वो जो, देखिए पिछली बार थोड़ा हमने एरिया कम लिया था, अगर कोई पानी भी है, कोल्ड सर्फेस भी है, टेम्परेचर है, ये डार्केस्ट एरिया है, 69 डिग्री लैटिट्यूड पे ऊपर लैंडिंग हो रही है, लूना करीब करीब 73 डिग्री पे था, 1000 किलोमीटर दूर जो टकरा गया और नहीं लैंड कर सका, तो इस पर हमारा जो मैपिंग हुआ है कैमरे से वो 2.5 किलोमीटर का है, तो अगर कोई जगह ठीक नहीं लग रही तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप कैमरा सेंस करके उसको करेक्ट करेगा। तो थ्रस्टर, सेंसर और हमारा जो दूसरे जो उनके इक्विपमेंट हैं, वेलोसियोमीटर है, अल्टीमीटर है, ये जो सेंसर्स हैं नेविगेशन के, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करते रहें, इंजन ना भी काम करे, एल्गोरिथम ठीक से चलेगा,
तो ये लैंडिंग परफेक्ट होने वाली है जैसा मुझे लग रहा है और जैसा साइंटिस्ट उम्मीद कह रहे यही हैं। कर तो रहे मेरे ख्याल से इस बार रिडंडेंसी इतनी ज्यादा दी गई है जी कि सफल लैंडिंग हो चुकी, स्थितियां हमारे अनुकूल ही जारी हैं। डॉक्टर सुरेन जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखा गया है हम आज़ादी के 77वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और हमने जश्न से मनाया आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस, लेकिन इसी के साथ साथ ये जो उम्मीद है, ये जो क्या कह सकते हैं कि हम पूरी पूरा पड़ाव जो है वो हमने 1920 से कर रहे हैं एस के दत्ता साहब के साथ से, तब से लेकर अब तक एक लंबी यात्रा हमने तय की है। इसी के साथ साथ ये भी देखा जाए कि इसरो के लिए कितनी बड़ी कामयाबी इसे हम मानेंगे। देखिए, इसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ दीपिका जी। जी, हमने चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया था। बिल्कुल। और 14 नवंबर 2008 को मैं तब इसरो में था और मैंने काफी मेरी जो कम्युनिकेशंस की लीगेज थी वो चंद्रयान 3 में भी काम आ रही है। जी। जो एंटीना मैंने डिजाइन किया था 32 मीटर का, वो आज भी इसको ट्रैक कर रहा है। तो पहली बात बता दूं कि उस दिन 14 नवंबर 2008 को जो मून इंपैक्ट प्रोब है, जब उसने इंपैक्ट किया था तो उस पर प्रिंटेड था तिरंगा, तो उस वक्त हम लैंड कर गए थे, हो सकता है क्रैश लैंडिंग हो, तो उस मास स्पेक्ट्रोग्राफ था उससे मालूम पड़ा था कि चांद पर पानी है। तो हम तब से कर रहे हैं, तो हमारे तब 2019 में चंद्रयान 2 गया, सारे उस पर करेक्शंस कर दिए गए हैं। और अगर आप मुझे कहें तो मैं आप बता सकता हूं कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या क्या करेक्शंस किए गए हैं, और उन सब को देखते हुए मैं सोचता हूं कि हम इसमें सफल होंगे। और मैं काफ़ी आश्वस्त हूं, और मेरी आश्वस्त जो है वो ज़्यादा मैं इसलिए हो गया कि चेयरमैन इसरो ने कहा है कि अगर दो ट्रस्टर्स भी काम करते हैं जी, और कुछ एक सेंटर्स नहीं काम करेंगे तो भी हम लैंड करेंगे। अगर हम आज सक्सेसफुल नहीं हुए तो 27 को लैंड करेंगे, और मैंने कैलकुलेट किया है हमारे पास इतना फ्यूल है कि अगर हम नहीं कर पाए तो हम वापस नेक्स्ट 16 साइकिल में भी आ सकते हैं। ये तो एक बात हुई। एक बात मैं फ्यू सेकंड्स में बताना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जी। कि जब अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक लॉन्च हुआ था तो मैं 6th स्टैंडर्ड में था, 9 साल का, और मैं ऊपर देख रहा था कि हम सब ऊपर देखते थे कि उपग्रह कहाँ पर है, स्पुतनिक कहाँ पर, जिसमें चांद कहते थे। आज मेरा ग्रैंड सन है वो चंद्रमा लैंडिंग को देखेगा, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो यू नो हाउ वी हैव कम फ्रॉम दैट एरा टू वेयर वी आर एग्जीक्यूटिंग द थिंग। बिल्कुल, और यू भी कह सकते हैं सुरेन जी कि लगभग ऐसे 50 से ज्यादा वैज्ञानिक हमारे हैं जिनकी रातें आंखों में ही कट गई, सोई नहीं है, एक तो बेचैनी भी है, घबराहट भी है, उत्साह भी है। मैं ये नहीं कहूँगा बेचैनी है, बेचैन तो कभी साइंटिस्ट होता नहीं है। देखिए, एक तो आश्वस्त है, दूसरी ये है कि सबको एंजाइटी रहती है जी। कि भाई एंजाइटी तो कोई भी आप भी मान लीजिए जब कार चलाते हैं तो कार चलाने में थोड़ा रहता है कि कोई गड्ढा तो नहीं आ जाएगा, कोई सामने से गलती तो नहीं कर जाएगा, तो एंजाइटी है, और उन सबको प्रिकॉशंस ली गई है। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार लैंडिंग सफल होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट टाइम हमने जो थ्रस्टर्स थे वो कम कैपेसिटी के थे, 440 न्यूटन्स के थे, इस बार 800 न्यूटन्स का है जो 740 न्यूटन्स पर काम करेगा, उसकी थ्रस्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वो लास्ट टाइम हम नहीं कर पा रहे थे। तो वेलोसिटी जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो लैंडिंग गियर्स हैं जो है फोर, तो वो 3 मीटर्स पर सेकेंड, मान लो आपको 15 स्टोरी 20 स्टोरी बिल्डिंग से उसको ड्रॉप कर दे उसमें क्या बचेगा, उस तरह का इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। और साथ में ये है कि रिडंडेंसी सॉफ्टवेयर की भी है, हार्डवेयर की भी है, और इस बार जो टेस्टिंग की गई है वो किया गया है कि 6 सिग्मा का मतलब होता है कि एक गलती 10 लाख में कर सकते हैं, तो इतना कोई नहीं करता, सब 3 सिग्मा करते हैं। तो इसीलिए चेयरमैन इसरो भी काफी कॉन्फिडेंट है पृथ्वी से 3,43,000 किलोमीटर ऊंचे ऊपर अगर हम देखें तो चंद्रयान का जो लैंडर है वो खुद डिसाइड करेगा
कि उसे लैंड करना है या नहीं करना है। जो कैमरा उसके अंदर इंसर्ट किया गया है वो देखेगा, पिक्चर क्लिक करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि लैंड करना है या नहीं। आज हम इस कदर आगे बढ़ चुके हैं, ये सशक्त भारत की तस्वीरें, और इसे पूछने में भी कहा जाए कि गूजबम्स फील होते हैं कि आज हम किस कदर आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल, देखिए इसी के साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष को अमृत जो काल इसको बताया कि हम इसमें हैं, अमृत काल में अब जाएंगे 2047 तक, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि हम उन वैज्ञानिकों को हमेशा याद रखें जिनकी वजह से आज हम यहाँ आ गए हैं, जिनका योगदान बहुत बड़ा है आज हमारे इस सेलिब्रेशन में। ये कोई एक साल, दो साल या दस साल की मेहनत से ऐसा नहीं आ गया। और इवन अगर आप आज़ादी से पहले के समय में जाएंगे तो 1900, जैसा कि आपने अभी बताया था, 1900 जिक्र किया, 1920 में जो वैज्ञानिक थे कोलकाता बेस्ड लेबोरेटरी से, वो कुछ टेस्टिंग करते थे एटमॉस्फेयर के चीज़ों को जानने के लिए। उसके बाद उनके साथ सीवी रमन जी थे, मेघनाथ साहा, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया कुछ जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए या कुछ नई सुझाव देने में उनका योगदान रहा। उसके बाद 1945 में विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा, ये दो लोग आए। और 1950 में बड़ा एक स्टेप हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हुई। उसके बाद 1954 में एरिस, जो नैनीताल में मनोरा पीक के ऊपर है, वो एक लेबोरेटरी की स्थापना हुई। 1954 में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में अनदर रंगपुर ऑब्जर्वेटरी की स्थापना हुई। उसके बाद 1962 में विक्रम भाई, जो विक्रम साराभाई हैं, उनके सजेशन के ऊपर ये हमारा जो इसरो है, इसका नाम तो 1969 में हुआ जा करके, 1962 में ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऐसे एक कमेटी के रूप में नाम सामने आया था, INSCOPAR करके। तो जब 1969 में इसरो का नाम पड़ा, उसके बाद देखिए 1975 में भारत ने पहला अपना जो सेटेलाइट था आर्यभट्टा, उसको लॉन्च किया, लेकिन वो रशिया की मदद से हुआ। 1980 में भी फिर भास्करा जो सेटेलाइट था उसको रशिया की मदद से किया गया। उसके बाद देखिए कितने बिग स्टेप, 1980 के बाद से फिर हम धीरे धीरे सेल्फ सस्टेन हो गए, अपने हमारे व्हीकल बन गए भेजने के लिए, हमने दूसरे कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स को भेजना शुरू कर दिया, जो अपने आप में एक बहुत प्राउड का विषय है। आज भारत को एक बहुत ही रिलायबल इस फील्ड में देखा जाता है। उसके बाद 2008-2019 और अब आज का जो दिन है। जी अजय जी, जरा मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये ब्रिक्स से तस्वीर सामने आ रही है, ये देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जैसा देखते ही बन रहा है, जोहान्सबर्ग में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी भी साक्षी बनेंगे। जी हाँ, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं शी जिनपिंग, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि मुलाकात संभव है, तो ये वही तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। देखिए मुलाकात हुई और जेस्चर देखते ही बन रहा है। तो ब्रिक्स सम्मेलन जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन इस बार इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि दो मुद्दों पर चर्चा होनी है। चलिए वापस अपने चर्चा की ओर लौटेंगे। श्याम जी, मैं आपके पास अब आती हूँ। देखिए जिस तरीके से चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है, और सबसे बड़ी बात है उस जगह लैंड करने वाला है जिस जगह आज तक कोई देश नहीं पहुंचा, वो है साउथ पोल। साउथ पोल के बारे में हमेशा क्यूरियोसिटी रही है, जानना चाहते हैं वैज्ञानिक भी, क्योंकि डार्कनेस ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, ऐसा क्या एलिमेंट्स वहाँ मौजूद है, क्या क्यों क्यूरियोसिटी बनी रहती है? श्याम जी देखिए, जहाँ तक लैंडिंग की बात है, हमने पहले जो लैंडिंग की है वो इस एरिया में नहीं की है, और जो हमारी पिक्चर या जो हमारी एक्सपेरिमेंट्स जो पहले गई हैं, जब हम ऑर्बिट करते हैं चांद के चारों तरफ, पिछले चंद्रयान 1-2 की 15 साल के मिशन की बात करें, तो जो भी ऑब्जर्वेशंस के साथ हमें उपलब्ध है डाटा जो है वहाँ का, या दूसरे कंट्रीज के साथ जो हमने शेयर किया है, उस हिसाब से ये पता लगा कि ये डार्केस्ट एरिया है, यहाँ कम धूप मिलती है चांद के एरिया में, और जैसा मैंने कहा 69 डिग्री लैटीट्यूड पे, ये चांद के लैटीट्यूड पे लैंडिंग है, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी कम है और डार्क एरिया रहता है, तो पानी की शायद महसूस की गई है वहाँ पे कि पानी फ्रोजन वाटर अवेलेबल है, और इस तरह के कुछ और भी जो हमारे तथ्य निकल के आए हैं उससे ये लग रहा है कि ये एरिया हमारे लिए ज़्यादा क्यूरियस है, ज़्यादा सुटेबल है, और चांसेज हैं कि यहाँ पर हमें कुछ और भी चीज़ें मिल सकती हैं जो हमारे हिसाब से हम उस दिशा में काम करना चाहेंगे और आगे अनुसंधान करना चाहेंगे, तो इसलिए साउथ पोल पे हम जा रहे हैं। और जहाँ तक देखिए हमारी उत्सुकता की बात है, अनुसंधान जरूरी है, और भारत की मनोबल और भारत का जो पॉलिटिकल विल है इस ओर है, तभी ये पॉसिबल है।
पिछली बार जब 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था तो प्रधानमंत्री फ्रांस में थे और उस समय परेड देख रहे थे, आज वो ब्रिस्क में हैं और कहते हैं कि चांद आज नया निकलने वाला है, तो हम तो हैं परदेश और देश में निकला होगा चांद, तो बड़ी नज़रिए से प्रधानमंत्री भी वहाँ से देख रहे होंगे और पूरा देश हमारे साइंटिस्ट के साथ आज खड़ा है। हम सब की प्रतीक्षा है कि जो 17 मिनट का लास्ट क्षण जो होगा लैंडिंग फेज का, वो कितना इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल होगा और हमारे साइंटिस्ट किस तरह से उसको करेक्शंस करेंगे और ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इस बार का चंद्रयान 3 खुद ही डिसीजंस लेने के कैपेबल है। एटीट्यूड लॉकिंग भी उसकी बढ़ा दी गई है, कुछ लिमिटेशन तो थी सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए, वो सिर्फ यहाँ ही नहीं देश भर में। आप हमारे सारे जो भाई बहन हैं, देश की सारी जनसंख्या यही प्रार्थना कर रही है कि आज चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग होगी सक्सेसफुल होगी और भारत विश्व भर में उन देशों में शामिल होगा जिन्होंने ऐसी अकम्प्लिशमेंट को हासिल किया है। और चंद्रमा पे साउथ पोल पे लैंडिंग ये पहली भारत की होगी और हम सब के लिए अरदास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और दिल से हमारी सारी जो जनसंख्या है, आप अभी देखेंगे हम सब सारे जो हमारे धार्मिक स्थान हैं किसी भी रिलीजन का हो, वो भारत की, क्योंकि ये जो जहाँ से आप देखिए ये यात्रा कहाँ शुरू हुई थी और आप माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम कहाँ पहुँच गए हैं, सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, इसमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और मैं सिर्फ यही चाहूँगा अभी हम अपनी प्रार्थना अरदास को कंटिन्यू रखें और शाम को जब सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाएगी हम फिर मिलेंगे और फिर रिस्पेक्ट आपको धन्यवाद करने के लिए करेंगे। पर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो गुरुद्वारा साहब में ने सिरसा साहब ने हमने जो अभी ये करवाया है कि अरदास आप भी यहां पहुंचे, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और आप सुनिए, सुनिए मेरी बात, देखो ये गुरुद्वारे में ऐसा नहीं होगा, बाहर जाके बात करेंगे। सब आज माननीय हरदीप पुरी जी के और माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता जी, वीरेंद्र सजेवा जी के साथ सामूहिक साथ संगत ने गुरुद्वारा बंगला साहब में चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए अरदास की है। इस अरदास में सारे लाखों करोड़ों संगत जो है साथ में है। पटना साहब गुरुद्वारा साहब में अरदास की गई, आज सुबह गुरुद्वारा शीशगंज साहब में अरदास की गई, हम सब ने अरदास की है और हमारी गुरु साहब के चरणों में ये बेनती है कि साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हो, उसके लिए हम सब एकत्रित हुए। कोई और राजनीति किस पे सवाल ना करें, गुरुद्वारे की जगह है। बस मैं आपको कहूंगा कि फिर पूरी साहब आपके पास आएंगे, धन्यवाद करने इसी स्थान पर आएंगे, फिर मैं आपसे बात करेंगे। तो देखिए कोई दो राय नहीं है कि भारत किस तरह से सशक्त हुआ है, सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी। आज देखिए भारत इतिहास रचने जा रहा है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र आपके पास आना चाहेंगे, ये जो 15 मिनट्स ऑफ टेरर है जिसमें रोवर खुद लैंडर खुद डिसाइड करेगा लैंड करना है या नहीं करना है, ये बताता है कि आज हम किस कदर एडवांस हो चुके हैं और खासकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इतिहास आज लिखने जा रहा है भारत। पहली बात तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको टेरर मत बताइए, कि मैं इसके लिए प्रॉपर वर्ड जो यूज करूंगा वो है क्रूशियल और क्रिटिकल। देखिए और टेक्नोलॉजी के अंदर इसमें ट्रिपल टेक्नोलॉजी लगाई गई है, सॉफ्टवेयर को भी पहले हम क्या करते थे, जो पॉलीमेल्स होते हैं थोड़ी सी टेक्निकल है, वो हम जैसे चंद्रयान 2 में किया था तो फर्स्ट ऑर्डर का था, इसमें सेकंड ऑर्डर का किया है, कहीं पर जो सेकंड ऑर्डर की किए थे उनको थर्ड ऑर्डर का किया है, टेस्टिंग वगैरह जो की है पूरा सिमुलेशन एक्सपेरिमेंटल और सॉफ्टवेयर सिमुलेशन किया गया है। मैं आर्यभट्ट के टाइम से हूँ, आर्यभट्ट में हमने वुडन मॉडल बनाया था, इसके अंदर हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वर्चुअल बना सकते हैं, आप भी वर्चुअल दिखा रहे हैं तो या 3D प्रिंटिंग का दिखा रहे हैं, सोचिए कितना हम एडवांस कर गए हैं। तो अब उन एडवांसमेंट को जो हमने वुडन मॉडल से चालू किया, आर्यभट्ट से चालू किया,
मुझे कम्युनिकेशन लिंक चेक करने के लिए एप्पल को एक नॉन मेटेलिक स्ट्रक्चर जो बुलक कार्ट थी उस पर रखना पड़ा, और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ, मैं पूरे अपना एक्सपीरियंस जो मेरा इसरो से कनेक्टेड था और अभी भी मैं इसरो से कनेक्टेड हूँ, मैं आश्वस्त हूँ कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो कुछ किया है, जो टेस्टिंग की है और सिक्स सिग्मा की है, और उनका जो कॉन्फिडेंस है, चेयरमैन इसरो का जो है सोमनाथ का जो कॉन्फिडेंस है, उसके कॉन्फिडेंस में मेरा कॉन्फिडेंस है और पूरे देश का कॉन्फिडेंस है, और कुछ घंटों में हम चांद पर होंगे। उनके जज्बे को भी सलाम है। लड्डू भी बांटूंगा मैं, बिल्कुल सुरेंद्र जी, लड्डू बांटूंगा, बिल्कुल बिल्कुल देश लड्डू बांटेगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि वाकई में जेस्चर है और ये हमारा आत्मविश्वास ही है जो आज हम चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के बाद आज सफलतापूर्वक लैंडिंग की तैयारी में है। श्याम जी देखिए, वो नज़ारा भी अद्भुत होगा जब चंद्रयान 3 जब प्रवेश करेगा, चूँकि वो वक्त वो होगा कि जब सूर्योदय वहाँ पर चांद पे होगा, तो वो एक खूबसूरती जो है अलग नजर आएगी। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि अमेरिका जो नासा है वो भी एक तैयारी में जुटा हुआ है, आर्टिमिस मिशन की तैयारी में भी जुटा हुआ है, यानी कि चंद्रमा जो है वो बहुत कह सकते हैं कि चंद्रमा जाने पे ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये एक क्यूरियोसिटी का भी साधन है और यहाँ से अन्य ग्रहों पर जाने के भी द्वार खुलते हैं। श्याम जी बिल्कुल आपने सही कहा, और जहाँ तक शुभकामनाओं की बात है तो हम तो यहाँ तक देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और सब जगह हमारे सारे रिलीजन के लोग जो शुभकामनाएं दे रहे हैं, यहाँ तक पाकिस्तान के प्रीवियस साइंटिफिक जो एडवाइस साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मिस्टर हुसैन ने भी जो 2019 में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था हमारे मिशन को, वो भी शुभकामनाएँ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं पाकिस्तानी टेलीविज़न को ब्रॉडकास्ट करने के लिए इस नज़ारे को खूबसूरत, ये सूर्यास्त के समय का जो नज़ारा वो भी देखें। UGC ने और हमारे यूनिवर्सिटी के सारे जो 8 बजे के बाद फिर हम मिलेंगे, धन्यवाद। मैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा जी, सिरसा जी, इमप्रीत जी, नील जी, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की, उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे शानदार हमें मौका दिया अरदास के में शामिल होने का, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्याम जी जी बात पूरी कीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया की तरफ से, चाहे विश्व में हो चाहे हमारे दूसरे देशों में हमारे लोग हों, ये शाम का जो समय होगा 17 मिनट का जो समय, जहां से वो वर्टिकल लैंडिंग शुरू करेगा और वो किसी समय भी परिस्थितियों के अनुसार एटमोस्फेरिक कंडीशंस को समझते हुए ऑटो करेक्शंस करते हुए ग्राउंड मैपिंग करते हुए और अपनी थ्रस्ट्स को वेक्टर्स को समझते हुए, क्योंकि देखिए ये लैंडिंग जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब जिसको हम अपनी भाषा में कहें तो हम जब रनवे पे लैंड करते हैं तो उसको हम किसिंग लैंडिंग कहते हैं, जब पायलट्स लैंड करते हैं तो आप देखते हो कि उनके जो व्हील्स हैं वो किसिंग लैंडिंग करते हैं, तो वो तो वर्टिकल नहीं है, एक तरह से वर्टिकल फोर्स कम है, हॉरिजॉन्टल ज्यादा है, यहाँ वर्टिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं और 3 डायमेंशंस में लैंडिंग है, एक स्पॉट पे लैंडिंग है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और 3 चीजें, सॉफ्ट लैंडिंग, और दूसरी जो है हमारी रोवर का निकल के 14 दिनों तक 14 मून डेज मतलब 14 अर्थ डे मतलब एक मून डे इतने दिनों तक रहना और इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके वहां से सारी चीज हमें देना, ये सारी चीजें तीनों मिशंस के जो मेन एम है ये पूरा करना जरूरी है। पहला एम जो है सॉफ्ट लैंडिंग, अगर ये हम कर लेते हैं तो विश्व में 4th देश बन जाएंगे USA, चाइना और अर्सवाइल USSR के बाद, और ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर माना जाएगा, जो इसके साथ जब हम US की बात करें और हमारे एक्स पोलियो जो अलग मिशंस होने वाले हैं, डिफेंस मिशंस होने वाले हैं जो अपने या दूसरे देशों के साथ, उन सब पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और आगे के दिन जो अमृतकाल के हैं वो हमारे यूथ को और हमारे देश को एक विकास के मार्ग पर ले जाएंगे, इसलिए मैं बहुत ही उत्सुकता से पूरे देशवासियों के साथ इस लैंडिंग की प्रतीक्षा कर रहा हूं और शुभकामनाओं के साथ आप सबसे जुड़ा हूं। थैंक यू दीपाली, थैंक यू। जिक्र कर रहे हैं वो उत्सुकता हमारी भी इस कदर बनी हुई है कि मैं और दीपिका लगातार टेलीविजन की स्क्रीन देख रहे हैं कि टाइमर जो वहां पर चल रहा है, जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि इंतजार अब बहुत कम है।
महज 3.25 घंटे बचे हैं, उसके बाद हर कोई यानी पूरी दुनिया देखेगी उस ऐतिहासिक क्षण को 6:04 पर जब लैंड करेगा चंद्रयान 3। अजय जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जिस तरह ये कहा भी जा रहा है, देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आज किस तरह से पूरा देश जो है वो तैयार है। और आपसे हम ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में है, सशक्त भारत की मजबूत तस्वीरें विदेशी सरजमी से देखना, ये कितना उत्सुक करता है आपको? देखिए ये साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो माइलस्टोन है ही, इसमें कोई दुराय नहीं है, लेकिन आज का जो ये मिशन जो है हमारा, जब ये सक्सेसफुल होगा तो पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि भारत विज्ञान और तकनीक के मामले में उन अग्रणी देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है, जो हम 3-4-5 नाम जो हर बार हम लेते हैं। और पूरी दुनिया को ये मैसेज मिलेगा कि किस तरीके से हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो उन्होंने कितनी मेहनत की है, जबकि हमने अभी जस्ट थोड़े दिन पहले देखा है, हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि रशिया का मिशन अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि साइंस क्या है, अगर कोई बच्चा चलना सीखता है तो चलने से पहले गिरता है, उसी तरीके से साइंस विदाउट फेलियर पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस मिशन का सक्सेसफुल होना एक बहुत बड़ा मैसेज देगा, भारत में तो देगा ही देगा, लेकिन पूरे विश्व में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाने वाला है कि आज का भारत एक सशक्त भारत है, एक अग्रणी भारत है जो विश्व को दिशा दिखा सकता है। बिल्कुल, एक छोटा सा रिएक्शन मैं सुरेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगी कि क्योंकि देखिए चंद्रयान 2 की तस्वीरें हमने देखी थी, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर तीनों मिलकर जब पहुंचेंगे और लैंडिंग होगी, क्या ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि चंद्रयान 2 जिसको लेकर देखिए हम सभी ने तस्वीरें देखी थी और ऐसे में अब तस्वीरें जो है वो आगे बढ़ गई हैं, यानी चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 किस तरह से सफल होगा, लेकिन उसके लिए हम इंतजार करना होगा 6:04 का। फिलहाल ये पल जो है ऐतिहासिक है, सुखद है और इस पल को जीना भी बेहद उत्साहित करता है। दीपिका बिल्कुल, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, आप कहीं मत जाइएगा, चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का।